हेलो, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों को। नया दिन नया ब्लॉग। फार्म पे मैं पहुंच गया हूँ। कल मैं आया कोई नहीं, और यहाँ पर आया है कोई जालिम किस्म का तूफान। और उस तूफान ने एक तो हमारा पूरा ग्राउंड ही थर्मापोल से भर दिया, वो भी वही इकट्ठा करता फिर रहा है। और दूसरा, बारिश इतनी तेज़ हुई है कि पिंजरे सारे पानी से भर गए। और इधर का देख लो, जो नया बनाया था इधर फिलहाल बचत है, और उस पिंजरे में बचत है क्योंकि बारिश का था ना, एंगल सारा था उस साइड को, तो मुर्गों के पिंजरे मेरा ख्याल है पानी गया होगा। और एक न्यू चीज़ देखने को मिल रही है, मैं जब पहुँचा हूँ तो न्याजी जो है ना वो कहता कि यार आज नई चीज़ लेके आया हूँ। तो न्याजी ने मंगवाई है जी ये दो गूज। डक नहीं है, ये गूज है, जो लंबी गर्दन वाली होती है वो गूज होती है। इनसे मुझे डर बड़ा लगता है, ये ना गर्दन सीधी करके बंदे के पीछे पड़ जाती हैं। और ऐसे इसका हमारे माहौल ठीक रहा है, लेकिन एक मसला हुआ है कि बारिश इतनी तेज़ हुई है कि ये सारी मिट्टी जो है ना वो चली गई है हमारे पौंड के अंदर। और पौंड जो है अब इस टाइम जो है ना देखने लायक नहीं है, इसका हमें कुछ करना ही पड़ना है। इसका एक बार पानी निकाल के इसमें मिट्टी निकालनी पड़ेगी ताकि काई बने। इस तरह तो ये है ना बहुत ही गंदा लग रहा है, और कुछ अंदर नज़र भी नहीं आ रहा। और साथ हमारी जो है ना ये दीवार, यहाँ मिट्टी हमने नहीं डाली थी, यहाँ पे जो है ना ज़मीन में पानी जाना शुरू हो गया, यहाँ भी मिट्टी डलवाते हैं। कुत्तों की टेंशन नहीं है, वो इस तरह के मौसम में जो है ना खुश ही होते हैं, मौसम ठंडा होता है। ये दो चीज़ें नई आई हैं, मेरा ख्याल है आज चली जाएंगी, क्योंकि ये न्याजी का एक दोस्त आया हुआ है जिससे हमें डक्स आई हैं, ये उसने लेके जाने हैं तोहफे। ये भी दो मेरा ख्याल चले जाएंगे, और वो जो हमारी प्रमोज फीमेल है वो भी आज वो ले जाएगा, क्योंकि हमारे पास फिलहाल एक्स्ट्रा थी। पानी गया हुआ है अंदर जगह जगह पे, भी इसने जो है ना रेत इकट्ठी की हुई है। मेरा ख्याल है एक बार ना इस रेत को निकलवा दें और फिर नई डलवाएं, क्योंकि इसकी अब सफाई जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। और तू बीमार तो नहीं है? तुझे हम सेट करते फिर, तू बीमार ना हो जी। एक दफ़ा तेरे बच्चे लेने हैं, उसके बाद बेशक बीमार हो जाए। ये भी उससे पूछेंगे कि अगर उसको चाहिए हुई ना तो ये फीमेल भी उसके बाद भेज देंगे थोड़े दिन के लिए, क्योंकि हमारे पास फिलहाल जो है ना दो पेयर लगे हुए हैं। हमने पहले इनकी ब्रीड लेनी है, ये ब्लैक फीमेल के साथ मेल और ये ब्लैक फीमेल के साथ मेल। बाकी चूज़े पल रहे हैं, चूज़े पली जाएंगे और ये फिरते रहेंगे इधर। खैर अब बाकी जो है ना आज वो उधर कुछ करते हैं, क्योंकि हमारी जो नई चीज़ यहाँ पे आनी थी वो तैयार है, और हमारा पिंजरा अभी तक रेडी नहीं है। और जिस चीज़ से मुझे डर लगता था ना वो हो ही गई है। मुझे हल्का हल्का शक परसों पड़ा था, और आज जो है ना मुझे और लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना वो बीमारी जो है ना वो आ चुकी है, और वो मेरे हिसाब से आई है ये इस बच्चे की वजह से जो ये हरून ने पकड़ा था ना, ये बीमारी लेके आया है। और यहाँ पे अक्सर कबूतर जो है ना उनमें वायरस आ चुका है। अब या तो मैं ज़्यादा हुए तो शायद मैं इनका इलाज कर लूँ, नहीं तो मेरे पास भाई एक ही हल है ऐसी बीमारी का, वो सारों को पता ही है कि वो छुरी है। बाकियों की जान बचाने के लिए जो इन्फेक्टेड है उनको मतलब छुरी फेर ले, बाकी सरते रहे, उनका कोई मसला नहीं है। इसका प्रोजेक्ट लंबा है, ये काम आज नहीं हो सकता। बाकी जो है ना बाहर पता नहीं कौन आया, देखते हैं अभी। हमारे जब आ जाते हैं ना जी मेहमान, वो फिर उनके पास बैठे बैठे हमें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज हमसे कर कुछ भी नहीं कर हुआ, मेनली बस जो है ना हम लोगों ने टाइम ही दिया है उनको। खैर अर्जुन की जो है ना आज सुनी गई है, इसके लिए कल जो है ना मैं नया सेटअप सब बना रहा हूँ। वो सेटअप तो खैर इसका कमरा तो यही रहेगा, घर जो है इसके अंदर एक सेटिंग चेंज करनी है। उज़ैर और नयादी अंदर चले गए हैं। यार मैं 3 दिन हो गए शूज़ पहन के आ रहा हूँ, करनी है यार, कोई ना कोई मेहमान आ ही जाता है यार, इनकी कैंडलिंग ही कर लो। यार रोटी
सफाई बाद में कर लेना यार, ये पांव में फंसने चल कर फिर सफाई। और अपना क्या काम था? अब मेरा तो ना मुझे नहीं अलकमोनिया नहीं हो रहा। मसला पता क्या है? मसला ये है कि हमने स्पीड मार के एक काम को खत्म कर लिया, उसके बाद दो दिन हमने कुछ भी नहीं किया। कल कुछ नहीं हुआ? नहीं, आज मैं लेट हो गया, मैं बाजार चला गया था। कल करेंगे। करना क्या है? या उसका थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करनी है, वो जो लगे एक उसकी थोड़ी सी फिक्सिंग कर फिटिंग करनी है। यो तू एक पेश करना, मैं टू टू लगा के जो है ना आवाज बंद कर पागल हो गया हूं। लाइट ऑन कर, टू लगाना वो सब मुश्किल काम। लाइट गुजारा कर रही है? लाइट तो गुजारा कर लेगी, लाइट इसी की चला ना। ये ना, हाँ दबा दे बस, एक दफा चल जाएगी। अच्छा जी, अंडे खोल। पानी है इसमें? पानी का परसों डाला है। ये हमारा टेम्परेचर और ये बिल्कुल फिट है। चल ये आज हम दिखाएंगे अंडों की कैंडलिंग कैसे करते हैं। इसकी मैं फ्लैश बंद कर दूं। ये ठीक है? और ठीक है अंडा मुझे दे जा वापस। ये ठीक है? ये कैंडलिंग उधर उन्होंने कितने अंडों की है भला? 8, 16, 24 अंडों की तकरीबन। और ये हमारे अंडे खराब है सारे। ये उसने उबाल दिए मुझे लगता है। वो सेंटर वाली लाइन जो है ना उसके अंदर हीट ही बहुत ज्यादा जा रही है, वो मुझे तो पक गए हैं। मेरा ख्याल है इनको खा लें। खैर हमारा जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंडे जो है ना ठीक है इसके अंदर, वो लगे रहे हैं, वो देखते हैं कब निकलते हैं बच्चे इसके। 14 दिन शो हो रहा है, इतने दिन और भी चलना है। हाँ बाकी जो है अपना बतखे, आज तू बतखे कहाँ से लेके आया तू? बतखे तोहफा आया, तोहफा। कैसे आया तोहफा? बतखे हैं तोहफा नहीं आती। चलो वो कहते हैं ना मुफ्त की शराब काजी को हलाल, मुझे ऑफर आई। काजी ना के आजकल लानत पै रही होती। जोड़ा लाया था मुझे, दोनों फीमेल्स लगती हैं। कोई नहीं, एक मेल तो ले आएंगे। तो दूसरा एक कछुआ भी मुझे नजर आया था मेरी कलोनी में इतना बड़ा, मैंने सोचा ये भी उठा लेते हैं। लेकिन मैं तब जुमा पढ़ने जा रहा था, जब मैं वापस आया मुझे और नहीं, वो निरी बीमारी है। उसने आप मछली अंदर कोई नहीं रहने देनी, पौंड के अंदर नहीं रहता होता कछुआ, उसने वैसे ही जो है ना या बीमारी डाल देनी या फिर उसने खुद मर जाना है। खाना ही नहीं खाना उसने इधर आके, पता नहीं क्या खाते हैं वो। वैसे अबारा निकला, अबारा निकलते हैं ना इस मौसम के अंदर बरसात में। तेरे वहां पे करीब खाला गुजरता है? करीब नहर नहीं गुजरती, नहर के साथ खाला गुजरता है। इतनी दूर उसकी कॉलोनी, काफी दूर है वहां। मेरे कॉलोनी के बाहर कोई नाला कोई नहर गुजरती है? तेरे तो सेम काली प्लॉट। कहां से गुजरती है? वो पीछे से जहां से मोड़ के डेवलप हो जाते हैं। हमारी कॉलोनी से कितनी दूर है वो? मुझे कॉलोनी के बाहर 3 दफा कछुआ नजर आया। लेकिन वो जो बना हुआ है अपना क्या है वो मरकज, उसके बाहर से खाला गुजरता है। खाला नहीं है, उनकी बाथरूम की लाइन है वो, ओपन खाला ही है। खैर जो है ना अब हम लोग जो है ना अंडे खराब भी हो ना उसको फेंक दे, इससे पहले यहां पर टूटे हुए ना हमारे दफ्तर में बैठना मुश्किल हो। नहीं नहीं, ये मैं अभी वो शॉपर में डलवा के फेंकता हूं। कल उधर उसको मैं कह जाता हूं सुबह को आके जो है ना पंप लगा दे उसके अंदर, पौंड के अंदर। हमारे आने तक पानी काफी नीचे हुआ होगा, पानी बिल्कुल एंड पे करके ना पहले मछलियां पकड़नी है, वो उसी ने पकड़नी है। वो जाली में आ जानी है, जाली से पकड़ी जानी है वो मछलियां पकड़ कर गारा खत्म करना है। कितनी थी? एक मरी थी? एक मरी थी, 99 होनी चाहिए। 100 है क्या? हाँ इसमें नहीं प्लस माइनस 2 एक्स्ट्रा देते हैं जैसा चूजे जाते हैं पोल्ट्री फार्म से लेके आए हैं।
मुझे तो लगता है 100 पूरी भावे पूरी ना, हम लोगों तो गिन के छोड़ी है। हाँ ये भी है, चलो देख लेते कल हैं। एक तो पौंड साफ करना है, दूसरा वो कॉर्नर वाला पिंजरा सीधा करके दो उसके, तो फिर लाके छोड़ने जो छोड़ना है, जो छोड़ने पे छोड़ना है, जो जो क्यों टून लगाऊंगा जब मैंने बोला था उस पर टून लगाऊंगा मैं। कल वाले ब्लॉग के अंदर मैंने 3 मिनट का क्लिप काटा, उसमें तुम लोग सिर्फ एक ही बकवास कर रहे थे जिस चीज तुम लेके उसका नाम बोल रहे थे तुम लोग। वो कह रहा है कि वो छोड़ना है, वो कह रहा है कि वो छोड़े छोड़ोगे तो फिर दिखाऊंगा, मैंने 3 मिनट का क्लिप ही काट दिया अभी। मैं तो ऑस्ट्रेलियन तोते का कह रहा था। हाँ वो बोल दे ऑस्ट्रेलियन तोता यार, अगर कल फिर चले उधर ले आए, फिर मैं कल उधर का जो है ना कह के जाता हूँ कि उधर का जो है ना काम कर ले यार, इतना को यार कर ले क्या चीज़ कि सिर्फ वो फ्रेम खोल लो उसको रेडी कर दो, उसको सिर्फ आज फ्रेम खोलो, हमें ये पता लग जाए हमने वहां पे यार कितने आज नहीं वो आए हैं मुझे लेने, मैं जरा जा रहा हूँ, कल हो जाएगा वो। कल फिर मैं और नियाजी आते हैं वो वाला ना, या तुम लोग आते हो वहां से गेड़ा ले ही आना, हम ले आएंगे बस ठीक है, ला के अगर वो कल कर भी लेंगे, थोड़ी देर छोड़ना होगा तो अंदर छोड़ देंगे बिल्कुल, या फ्रेम तो मैं इसको कहता हूँ दो कील ही निकाल लें दोबारों से यार। अगर निकाल कल लें तो वो जरा मैं असल में ना जाना तुम लोगों चाहिए को, था मैं असल में तुम लोगों को ना ये चीज क्या कहते हैं, ये ऑप्शन देना नहीं चाह रहा कि कौन कल वाली जो है ना हम चीज ले आए कहीं और छोड़ लेंगे, फिर तुम लोग तैयार कर लेना, भाई जान वो तुम्हें क्योंकि पता वो है फिर हमारी तैयार नहीं होना हफ्ता पूरा, और वो टाइम चीज की ने वजह वहां ही दलील होती रहना है। यार आज टाइम की वजह से और नहीं उसकी हुआ, नहीं तो तो वो काम खराब आज भी हो जाना था। हाँ अभी भी तुम्हें शक है हमारी स्पीड पे और हमारे काम पे? हाँ 3500 खर्च के भी तुम्हें शक मैं तुम लोगों का दिल रखने के लिए पिज्जा खिलाया ना, तो तुम लोगों का यकीन करो पिज्जा बनता नहीं था, बकवास ना करो, ऑडियंस पोल कर लो वहां पे। जब क्योंकि अगर हम लोग ये देखे ना कि यार जो देखो जिस दिन शर्त फिटनेस लगी थी ना, की इसको जब मैंने एक दिन एक्स्ट्रा दिया था, यार इसने इसने पता क्या कहा था, इसने कहा था हाँ ठीक है तो उस दिन 3-4 बजे में आ जाता तो 3-4 बजे तक रेडी होगा, मैंने फिर भी इनको 3 घंटे एक्स्ट्रा दिए, यार एक दिन तो वैसे स्किप हो गया जिस दिन और उसके बाद भी कह रहे तो मैंने देने पूरा एक्स्ट्रा दिया ना तुम लोगों को पूरा दिन। खैर वो मामला खत्म हो चुका है, वो हिस्ट्री हो गई है। हाँ वो कल हो करेंगे जाएगा वो कल। अच्छा मैं ये बताऊँ उसकी पार्टीशन अंदर लगानी है ऊपर तक जो उसकी छत वाला एरिया, हाँ उस पार्टीशन बंद करना है उसको, तो उसकी साइड पे दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं है, किसकी साइड पे जो फ्रेम खोलना है उधर दरवाजा लगा, वो उसी ओपन ही फ्रेम को रहेगा, रख के उसके ऊपर नया फ्रेम ऊपर कर देना, या फ्रेम लगा दो या नीचे ईंटों की बन्नी बना के ऊपर फ्रेम फिट कर दो, फ्रेम लगा देना ज्यादा सुख है, फ्रेम फ्रेम मिस्त्री बुलाने पड़ने हैं तो फ्रेम ही लगा लो, फ्रेम हो जाएगी मिस्त्री तो वैसे छेड़ उसकी। हाँ वेद वेद नहीं वो फ्रेम तूने बनाया, उससे पहले मैंने बाहर वाली सारी साइड क्लियर करानी है कल। वो खुलवाने तो तुम जाओ, हाँ खुला के बाहर ले आया मैं, परमेश्वर करके ऊपर ले से जोड़ लूंगा बाहर, ठीक है। खैर हम लोग जो है ना ना ब्लॉग हो के बाद में हमें अंदर जाके बनाना पड़े, इस साइड का दरवाजा भी छोटा है, क्या मतलब जो ऑलरेडी दरवाजा लगा हुआ है उसमें से भी उसको गुजारना भी तो है, वो अंदर जाके जोड़ेंगे बना लेता लेता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वो जो फ्रेम है उसको ऊपर वाली साइड पर लगा देना, नीचे 3 ईंटों की वार लगवा लेना, कुछ भी नहीं होता। वो इधर मिस्त्री लगाएंगे वार लगवा लेंगे उमेश के साथ से। कल मुझे टाइम कल मैं टाइम से आ जाऊंगा, नहीं उसके बाद आगे टाइम से आ ही नहीं सकता, उन्होंने फिर उधर जाना है लेने, ठीक है हो जाएगा यार, वो नीचे बाहर लग जाएंगे ऊपर फ्रेम लग जाएगा, मेरे आने से पहले वो खुड्डा रेडी होगा हो जाएगा, वो खुड्डा अंदर वाला हिस्सा बाहर वाला जो मनोज नहीं वो तो मौके पे कर लेंगे। हाँ हम बहुत बिजी गाइस हैं। हाँ मैं भी जा रहा हूँ, मैं चल ठीक है, देव आ गए। खैर हम लोग जो है ना व्लॉग इधर ही एंड करते हैं आज का, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, कल उम्मीद है हमारी वो नई चीज भी आ जाएगी जिसके लिए हमने वो 4 सब्सक्राइबर बढ़ा दो हमारे, हाँ सब्सक्राइबर हमारे जो है ना रुके हुए हैं और वॉच टाइम भी हमारा होगा, वो लोग जो है ना हमसे प्यार नहीं कर रहे। खैर वो बढ़ जाएगा खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, स्लो एंड स्टेडी में हाँ लगे रहेंगे, क्योंकि मुझे जो है ना 11 साल लगे हैं पाकिस्तान का गोल्ड प्लेटर बनते हुए, जबकि मैंने कोई बहुत ज़्यादा कोई वसी सेटअप नहीं लगाया हुआ कि मैं 20-20 25-25 कुत्ते रखूँ, लोगों ने से बहुत ज़्यादा कुत्ते रखे हैं और फिर भी उनका जो है ना यहाँ तक नाम नहीं आया। कंसिस्टेंसी की हाँ, और इस टाइम जो है ना वैसे अल्लाह बड़ा बोलना बुलवाया तो मुझे ब्रीडिंग के लिए मामले में ना बहुत कुछ पता है। लेकिन मैं एक मजेक बोलता हूँ, इनमें जानवरों में हमारी किस्मत वैसे ही बड़ी अच्छी है, हाँ हमारी आंखों को वो चीज अच्छी लग रही होती है जो बाकी अच्छी होती है। यार स्टार्ट में वो चीज अच्छी लगती है लेकिन बाद में जब मैंने सारा कुछ बनाया वो तो मैंने अपने जहन से बनाया ना ब्रीडिंग करा के, क्योंकि मैं जो है वो
मुझे नहीं फर्क पड़ता ब्लड लाइन क्या है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसके पीछे क्या है, मुझे भाई ये पता है कि मैं क्या से क्या लगाऊंगा तो क्या निकलेगा। ये कबूतरों वाली आंख चलती हाँ यार, ये आपकी ब्रीडिंग का पहला असूल ही है कि आप कमी को कहीं देख के हाँ कि इसमें ये कम है उसमें वो ज्यादा है, तो वो इक्वल आपके पास रिजल्ट आएगा हाँ वो टाइम के साथ साथ ही। हाँ खैर, अब बाकी बनाते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।